आज बात करेंगे दोस्तों कि मकर संक्रांति का त्यौहार ज्योतिष की दृष्टि से कैसे इम्पॉर्टेंट है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कई तरह से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यह है कि मकर राशि सूर्य देव के पुत्र शनि की राशि है। चाहे बेटा पिता से कैसा भी व्यवहार करे, पर बेटे के साथ पिता का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है और यह त्यौहार इसी बात का प्रतीक है। शनि देव सूर्य से हमेशा शत्रुता रखते हैं, पर फिर भी सूर्य को सबसे अधिक शक्तिशाली मकर में ही माना जाता है। और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस त्यौहार को उत्तरायण के रूप में भी मनाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में दसवां घर और दसवीं राशि दोनों राज्य के सिंबल कहे जाते हैं और सूर्य देव तो हैं ही स्वयं राजा। और राजा की असली पावर होती है राज दरबार में और अपने राज सिंहासन पर। इसलिए सूर्य देव का दसवें घर और दसवीं राशि में यानी मकर राशि में बैठना राजा से लाभ को, और आज के संदर्भ में कहूं दोस्तों तो गवर्नमेंट जॉब को या गवर्नमेंट से किसी भी अन्य रूप में लाभ को बताता है। एक कारण और भी है, वह यह है कि मकर राशि के पहले तीन चरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हैं, जो कि सूर्य का अपना नक्षत्र है। और दोस्तों इस वर्ष तो मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति के ठीक दिन बाद मकर राशि से शनि देव प्रस्थान करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही धनु राशि पर से साढ़े साती समाप्त हो जाएगी और मकर राशि पर साढ़े साती के आखिरी ढाई वर्ष शुरू हो जाएंगे। तो आइए इस मकर संक्रांति के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं।